तो फाइनली मैं घर से निकल गया हूँ, घर से जा रहा हूँ मैं कानपुर के लिए अपनी डेमो क्लास के लिए। तो चलो चलते हैं, अभी देखते हैं हम अपना डेमो क्लास और कानपुर की। तो हमें सादुल्ला नगर से लेकर लखनऊ जाने वाली बस मिल चुकी है, तो चलते हैं अभी लखनऊ और देखते हैं लखनऊ का नज़ारा, और लखनऊ से फिर बैठेंगे हम रेलवे पे। तब तक देख सकते हैं आप, अभी इस बस में इतनी सारी भीड़ है ना कि कह नहीं सकता। और अभी हम गोंडा की भी बात दिखा दें, गोंडा में देख रहे हो बस हमारी रुकी है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब पहले सवारी उतर रहे हैं उसके बाद चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो तो हमारी बस भी निकल चुकी है लखनऊ के लिए, कि इस महीने में ना बहुत सारी भीड़ होती हैं। तो अभी हम काका के ढाबे पे भी पहुंच गए हैं, मतलब इधर खाने पीने के लिए बसें रुकती हैं, बीच में ब्रेक होता है गुप्ता ढाबा। ठीक है, इधर खाने अच्छे मिलते हैं लेकिन थोड़े महंगे मिलते हैं। ठीक है, कौन है? चलो अभी कहाँ से आते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने नदी में तो सिक्के वगैरह फेंके ही होंगे, डाले होंगे। टैग भी आ गया है, फास्ट टैग, मतलब रास्ते के पे लगा देते हैं लोग। तो अभी हमारा फास्ट टैग से भी निकल चुकी है बस। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। हमारी बस लखनऊ बस स्टॉप पर पहुंच गई है, तो बस स्टॉप पे अभी हम उतर के अभी इधर से पकड़ना पड़ेगा हमें ऑटो रिक्शा, क्योंकि इधर तक बस जाती नहीं है, बस स्टॉप इधर ही तक है। तो अभी पकड़ेंगे हम ऑटो रिक्शा। और आज मंगलवार है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, मतलब मंगलवार को हर जगह प्रसाद वितरण होता है, और आज लकी डे था, मंगलवार के दिन में निकला, प्रसाद भी मैंने खा, बहुत अच्छा लगा। तो चलो अभी चलते हैं। तो हमें फाइनली टेम्पो वाले भैया ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतार दिया है, तो हम पहुंच गए हैं लखनऊ चार बाग रेलवे स्टेशन पर। तो अभी गोगल वगैरह भी पहन लेते हैं हम, क्योंकि थोड़ा स्मार्ट भी दिखूंगा। आई लव माई कंट्री यार, कुछ भी हो अपना तिरंगा देख के ना दिल खुश हो जाता है। लखनऊ में बहुत ही प्यारा तिरंगा लगा हुआ, और लखनऊ का नज़ारा भी, लखनऊ में रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा होना है जैसा कि सामने देख सकते हैं। तो अभी रेलवे स्टेशन पर जस्ट पहुंचे हैं लखनऊ, चलते हैं अभी देखते हैं। तो अगर आपको लखनऊ के बारे में जानना है तो आपको एक बार लखनऊ आना ही पड़ेगा, और लखनऊ के सारे मतलब जगह को देखना अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं। और हनुमान जयंती का पर प्रसाद भी हमने ग्रहण किया, देख सकते हैं इधर रेलवे स्टेशन के बाहर ही जस्ट उन्होंने लगा दिया है, तो प्रसाद ग्रहण करते हुए सभी भक्त दिख रहे हैं। तो हमने भी किया, हम भी कर रहे हैं अभी, तो मतलब प्रसाद बहुत अच्छा ही था। ठीक है, तो अभी हम खा चुके हैं, तो अभी चलते हैं। वैसे देख सकते हो नज़ारा, बहुत से लोगों ने मतलब यहाँ पर प्रसाद का ग्रहण किया, अच्छा लगा उन्हें। तो लखनऊ में जो सुविधाएं की बात की जाए तो उधर बहुत ही अच्छी सुविधाएं, चार्जिंग के लिए चार्जिंग प्लग भी मतलब बहुत सारे लगा दिए गए, लगभग 50 प्लग्स हैं, आप 50 चार्जर लगा सकते हैं। और मतलब बैठने की जगह देखिए, और पंखा पूरा है, मतलब बहुत सारे लोगों को एक ही पंखे से काम चल जाता है इधर, देख सकते हैं। और क्लीन भी है इधर का रेलवे स्टेशन, मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे रेलवे स्टेशन को। ठीक है, और यहाँ के सभी स्टाफ को। तो अभी समय सारणी देख लो, जो प्रतिदिन मतलब ट्रेनें आती जाती हैं इधर से, वो सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, लखनऊ से भोपाल के लिए, या फिर लखनऊ से हो गया अपना अयोध्या हो गया, लखनऊ से दिल्ली हो गया, मतलब पर डे इधर से गाड़ियाँ चलती रहती हैं, छपरा हो गया, चंडीगढ़ हो गया। अभी लखनऊ स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ,
जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मतलब इधर की सुविधाएं जो बहुत सारी हैं, इधर फिल्टर का पानी भी मिलता है आपको, मैंने पानी भर लिया है। सॉरी मुंह से निकल गया मेरे, ट्रेन का समय आ गया तो अभी हम ट्रेन पे भी बैठेंगे, अपना सीट नंबर और बॉगी नंबर, तो अभी चलते हैं। तो हमारा सीट नंबर, बॉगी नंबर है D1 और सीट नंबर है जो कि 76, आप देख भी सकते हैं। अभी हम बैठेंगे तो अभी हमारी ट्रेन भी कानपुर के लिए निकल चुकी है। तो फाइनली मेरे ट्रेन ने मुझे कानपुर छोड़ दिया है, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ मतलब। तो अभी बाहर निकल के मैंने एक चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी है, ये मुझे पसंद है, तब तक एंजॉय करते हैं चॉकलेट आइसक्रीम से, आप भी खा सकते हो। तो फाइनली हम कानपुर में एंट्री कर चुके हैं, तो अभी कानपुर देख सकते हैं आप, मतलब कानपुर भी अपने गांव के जैसा ही है, यूपी उत्तर प्रदेश के जैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ मानता हूँ बदला है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर भी मतलब सब्जियाँ बाज़ार मार्केट वगैरह यहाँ पर भी खुलते हैं, तो जैसा कि देख सकते हो आप। तो चलो दोस्तों, मैं अपने रूम से चलता हूँ और अपने कुछ खास दोस्तों से मिलाता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं, एंट्री करते हैं और धमाल करते हैं, ठीक है। चलो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हमारे कई स्टेट से दोस्त आए हुए हैं, नेपाल से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, तो पार्टी अभी हो रही है। चलो तब तक लेकिन कुछ भी हो यार, जब नए दोस्त मिलते हैं तो मज़ा ही कुछ और आता है, और पुराने दोस्त जब साथ में रहते हैं तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी पार्टी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी और चलते हैं डेमो क्लास की तरफ। अब हम लोगों यहाँ पर कंपोनेंट को कार्ड लेने पर थे, माइक के बारे में जाना, दो टाइप के माइक होते हैं, एनालॉग माइक और डिजिटल माइक, और इसी को हम लोग यूनिवर्सल जैसे हैं माइक भी कहते हैं। टेस्टिंग कैसे करते हैं, मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पर सेट करते हैं और 0.। तो जैसा कि देख रहे हो आप कि मतलब इतना अच्छे से समझा रहे हैं सर, और तुरंत ही प्रैक्टिकल करा दे रहे हैं। मुझे टेक्निकल क्लास बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैंने डेमो क्लास लिया है और जल्द ही मैं ज्वाइन करूंगा इसको, ठीक है। तब तक के लिए बने रहो, देखते रहो इस चैनल को। तो रिसीवर आपका सही होता है, इसके बाद आगे स्पीकर के बारे में जाना है, भाई स्पीकर को बिंगर नहीं कहते हैं, गाना सुनने लाउड स्पीकर रिंग बाउंड के लिए ट्राई कराते हैं, इसका काम यूज होता है फोन के अंदर। टेस्टिंग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को हम बजर मोड पर सेट करेंगे, 8 से 12 के बीच ब्लिंकिंग करने लगता है, कार स्टीरियो शो नहीं होती है, फोटो खींचेगी गैलरी में नहीं स्टोर होगी, ये भी समस्या है, डिस्प्ले वाइड हो जाती है, अभी सॉफ्टवेयर है, OS में कई सारे एरर आते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने कहा पैटर्न लॉक, ये जितने भी लॉक हटाना चाहते हैं तब भी हमें सॉफ्टवेयर करना है, FRP लॉक रिमूव करना तो भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, और मोबाइल में को अपग्रेड करना है तब भी हम सॉफ्टवेयर का फोन के अंदर करते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर से लेके कानपुर की जर्नी और हमारा डेमो क्लास जो कि सर अभी बता रहे थे आपको, प्रैक्टिकल दे रहे थे, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं, आगे भी बनाते हैं वीडियो इसके बारे में, तब तक के लिए बाय।